गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आप एक नवो चैप्टर सीखिए समांतर श्रेणी जेनो गुणभार चार मार्क है। आ चैप्टर अंदर थी एक टूंको प्रश्न पूछवामां आवशे जेनो गुणभार एक मार्क है अने एक दाखलो त्रण मार्क में पूछवामां आवशे। तो जोईए आपणे सौ प्रथम आपणे समांतर श्रेणी चैप्टर अंदर एनी आपणे समझूती मेळवीए। तो आ चैप्टर में सौ प्रथम आपणे शीखीशुं एनमु पद शोधवू। तो विद्यार्थी मित्रों, एनमु पद शोधवा माटेनो एक सूत्र छे जे आ प्रमाणे छे, एन बराबर ए वत्ता एन ओछा एक इंटू डी। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं ए एटले प्रथम पद थाय, एज प्रमाणे एन एटले मू पद अने डी एटले सामान्य तफावत। विद्यार्थी मित्रों, अहीं डी एटले के सामान्य तफावत शोधवा माटे नो एक सूत्र छे जेने आपणे ए टू ओछा ए वन कहीए छीए। एवी ज रीते वधु एक सूत्र छे जेने आपणे कहीए डी बराबर ए एम ओछा ए एन छेदमां एम ओछा एन। विद्यार्थी मित्रों, आज सूत्र मैं लखाव्या अहीं ए एन वाळू डी शोधवा माटेना बे सूत्रों खूब ज आईएमपी गणवामां आवे छे, आना आधारे ज आपणुं चेप्टर शुरू थशे। त्यार पछी जोईए आपणे प्रथम एन पदोनो सरवाळो शोधवा माटेनो सूत्र छे एस एन बराबर एन भाग्या बे कौंसमा टू ए वत्ता एन ओछा एक इंटू डी। वधु एक सूत्र पण छे एस एन बराबर एन भाग्या बे कौंसमां ए वत्ता एल। विद्यार्थी मित्रों, आ जे सूत्र लखाव्या मैं खूब ज आईएमपी छे, आ जो सूत्र तमने आवड़ी जाए तो समझो कि अर्धाथी वधु जे चेप्टर छे ए कम्प्लीट थी जाए छे। जोईए हवे आपणे आगळ कि अहींया डी केवी रीते शोधवानो। तो हूँ तमने अहींया समांतर श्रेणी लखीने देखाड़ू छूँ। फॉर एक्जाम्पल बे चार छ आठ डेश 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 जोईए आपणे, तो आ समांतर श्रेणीनी अंदर प्रथम पद एटले के ए जेने आपणे शुं कहीशुं भाई बे छे, आ प्रथम पद गणाशे, बे जे छे ए प्रथम पद गणाशे। त्यार पछी डी शोधवानुं सूत्र मूकवानुं ए टू ओछा ए वन। विद्यार्थी मित्रों, आ जे प्रथम पद छे एने आपणे ए कहीए छीए अथवा एने ए वन पण कहेवाय। बीजू पद छे तो एने आपणे ए टू कहीशुं, एवी ज रीते ए थ्री, एज प्रमाणे आगळ वधता ए फोर अने एम श्रेणी चाल्या करे आगळ ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे सूत्र मूकीए कि डी बराबर ए टू ओछा ए वन, तो अहीं आपणने ए टू बराबर चार आप्या छे अने ए वन बराबर बे आप्या छे, तो चारमांथी बेने बाद करता आपणने અહીંયા કિંમત મળે બે, માટે ડી બરાબર આપણને જવાબ મળશે બે અને અહીંયા એ બરાબર જવાબ મળશે એ પણ બે મળશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું કે મેં જે તમને અહીંયા જે માહિતી આપી, પાયાની માહિતી આ ચેપ્ટરની જે આપી એમાં તમને સમજ પડી હશે। જેમ જેમ ચેપ્ટર આગળ વધશે એમ એમ હું તમને એના સૂત્રના આધારે દાખલા ગણાવીશ। સૌ પ્રથમ આપણે એનમુ પદ શોધવાના દાખલા ગણીશું, ત્યાર પછી એન પદોનો સરવાળો મેળવવાના દાખલા ગણીશું, અને જેટલા પણ દાખલા આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાય એવા છે એ હું તમને શીખવાડીશ। થેન્ક યુ।